सोमवार को देश के पांच राज्यों के तमाम बड़े गैंगस्टर सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए की रडार पर आ गए। एनआईए ने कुछ वक्त पहले ही दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में उत्पात मचा रहे गैंगस्टरों का कच्चा चिट्ठा तैयार किया था। इसके बाद सोमवार को एक साथ 50 ठिकानों पर छापे मारे गए। दिल्ली से हरियाणा तक, पंजाब से राजस्थान तक, हर बड़े गैंगस्टर के घर छापे, हर खूंखार बदमाश की पड़ताल, पूरे 50 ठिकानों पर एनआईए के छापे। देश और देश के बाहर से सक्रिय हर उस गैंगस्टर की सोमवार को नींद उड़ गई जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन की दर्जनों टीमों ने एक साथ इन गैंगस्टरों के ठिकानों पर तड़के 5 बजे ही धावा बोल दिया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एक साथ 50 ठिकानों पर छापे मारे गए। एक भी बड़ा गैंगस्टर और माफिया ऐसा नहीं था जिसके घर एनआईए ने दस्तक न दी हो। जरा उन गैंगस्टरों के नामों पर गौर कीजिए जिनके ठिकानों पर छापे पड़े। गोल्डी बराड, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा, काला जठेड़ी, विक्रम बराड़, लकी पटियाल, नीरज बवाना, कौशल चौधरी, टिल्लू ताजपुरिया और अमित डागर, ये वो गैंगस्टर हैं जिनके ठिकानों पर छापे पड़े। पंजाब के फाजिलका, फरीदकोट, मुक्तसर साहब, मोगा, तरन तारण, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, मोहाली में छापे पड़े। हरियाणा में गुरुग्राम, भिवानी, यमुनानगर, सोनीपत, झज्जर में छापे पड़े। इसी तरह राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर में छापे मारे गए। दिल्ली में द्वारका और शाहदरा इलाकों में ये छापे पड़े। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के नामी गैंगस्टर के ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। ये वो गैंगस्टर है जिनके आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हो या फिर एनआईए, इन सब की पुरानी जांच में पाया गया है कि ये गैंगस्टर विदेशों से लगातार ऑपरेट कर रहे हैं। पंजाब में ये गुरदासपुर के भगवानपुर गांव की तस्वीरें हैं जहां गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के घर छापा पड़ा। अमृतसर में एनआईए ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सोनू कंगले और शुभम के घर छानबीन की। दिल्ली के ताजपुर गांव में टिल्लू ताजपुरिया के घर छापा पड़ा। कुख्यात नीरज बवानिया के दिल्ली के बवाना स्थित घर पर भी रेड पड़ी। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के आसपास के इलाकों के जो गैंगस्टर्स हैं उनके पीछे आखिर एनआईए क्यों लगाया गया? गृह मंत्रालय के सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि इसके पीछे ये है कि ये टारगेटेड किलिंग लगातार ये गैंगस्टर्स करते हैं जिसमें बवाना गैंग और बिश्नोई गैंग शामिल है। दिल्ली के करीब गुरुग्राम में भी गैंगस्टर के ठिकानों पर एनआईए की रेड हुई। निशाने पर थे कौशल चौधरी, अमित डागर और संदीप बंदर। हरियाणा के ही यमुनानगर में गैंगस्टर काला राणा के घर छापा पड़ा। राणा को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। रोहतक में काला जठेड़ी के घर छापा पड़ा और उसकी पत्नी लेडी डॉन अनुराधा को हिरासत में ले लिया गया। राय थाने में कई घंटे उससे पूछताछ की गई। हरियाणा में ही झज्जर में गैंगस्टर कवित के घर पर भी छापा पड़ा। माजरी गांव के कवित पर कई केस दर्ज हैं जिनमें हत्या के प्रयास के केस भी हैं। जिन कुख्यात गैंगस्टरों पर छापे पड़े उनमें से कई पाकिस्तान, कनाडा, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया से सक्रिय हैं। उनके इशारे पर टारगेट किलिंग हो रही है। ये गैंगस्टर हथियार और ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।